बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले एपिसोड में एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये चार साइंस। जो लियोज हैं उनके लिए प्लैनेटिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी इस वजह से है कि 11वें घर में जाकर सारे प्लैनेट्स बैठ गए हैं और मर्करी जो उस घर का लॉर्ड है वो वहीं पर ही मौजूद है, जिसको सैटर्न की स्क्वायर कुछ नहीं कहते। तो इसीलिए ये मैं समझता हूँ जो लियोज हैं उनके लिए ग्रेजुअली बेटरमेंट के चांसेस बनेंगे, लोग उनको आकर एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे। जो आपकी उम्मीदें दूसरों से डायरेक्टली रिलेटेड हैं वो आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं देंगी, जिससे आपकी और एडवांटेज होंगे। और दूसरी बात ये है कि लियो से अगला घर होता है वर्गो, जिसका लॉर्ड मर्करी अपने ही घर में है, तो दूसरा घर होता है पैसे जमा करने का, दूसरों से सपोर्ट मिलने का। तो कहीं ना कहीं से आपको कोई ऐसी सपोर्ट जिसकी वजह से आपके गए हुए पैसे कहीं ना कहीं से मिलें, रुके हुए पैसे आपको मिल जाएं, जिनसे आपको तवक्को नहीं थी वो पैसे आपको मिल जाएं, कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आकर सपोर्ट दे दे, कोई फंसे हुए पैसे आपके निकलें, इसके बहुत सारे चांसेस होंगे। तो इसको पूरी तरीके से इंजॉय करें। लियोज़ के लिए मैंने पहले भी कहा, जिस तरह पाकिस्तान लियो है तो मैंने पहले भी कहा था, ये जिस तरह टाइम आगे गुजरेगा ये डिफरेंट से डिफरेंट होता चला जाएगा और ग्रेजुअली डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी। इसलिए अब भी मैं ये कहता हूँ जो लियोज़ हैं उनके लिए प्लैनेटरी कंडीशन क्योंकि 11वें घर की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वीनस वहाँ पर बैठा हुआ है, सन वहाँ पर मौजूद है, जुपिटर उठकर वहाँ पर आ गया है, मर्करी ऑलरेडी वहाँ पर है, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन बनता है, ये कोई ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन नहीं है। सिर्फ इस बात का ख्याल रहे कि तमाम प्लैनेट में से सन अफ्लिक्टेड है। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं तो गवर्नमेंट से आपको फेवर नहीं होंगे। फादर की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है लेकिन कोई बहुत परेशानी की बात नहीं। आपकी औलाद से, आपके जानने वालों से, एल्डर से आपको एडवांटेज होने के काफ़ी सारे चांसेस होंगे। तो ये बात मैं पहले भी कहता हूँ कि जब लियो का सन जाकर किसी भी एक जगह पर स्ट्रांग हो तो एडवांटेज तो हर हाल में होना ही है। तो अगर इसको एरीज से पढ़ें तो ये 5वां घर है, आपको दोस्तों से भी फ़ायदा होगा, आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी फ़ायदा करेगी, आपको असिस्टेंस एंड फेवर्स भी होंगी, आपकी अपनी प्रेस्टीज और ऑनर भी बढ़ेगी, रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगी, और ये दिन आपके इन्जॉय करने के दिन है। और ख़ास तौर पर क्योंकि मून लिब्रा में है तो लियो, वर्गो, लिब्रा तीसरे में, यहाँ से फिर एडवांटेज होगा। और ये जो वीक आपका होगा ये सारा का सारा वीक ही आपके लिए बहुत ही ख़ास डेवलपमेंट लेकर आएगा। तो मेरी नज़र में 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 वाला दिन, जिस दिन सन ट्रांजिट करेगा कैंसर में, ये सारे के सारे दिन आपके लिए बहुत ही कमाल बेहतर हैं। सो किसी भी एंड पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं वो सारी हो जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड एडवांटेजेस होंगे, पैसे आपको आएंगे, और ये जो ईद के दिन हैं आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। सो इन्हें इंजॉय कीजिएगा, खुश रहेंगे। वर्गो, वो तमाम लोग जो 21st ऑफ अगस्त से लेकर 21st ऑफ सितंबर के दरमियान पैदा हुए हैं बाय सन साइन, ये वर्गो है, इनका लॉर्ड है मर्करी। मर्करी अपने घर में, जो जेमिनाई में है, जो वर्गो से 10th में है, 10th होता है फादर का घर, स्टेटस का घर, इज्जत बचने का घर, रिस्पेक्ट आने का घर, जिंदगी में बेहतरी आने का घर। तो ये जो वीक चल रहा है वर्गोस के लिए ये उनके फादर की तरफ से ऐसी असिस्टेंस एंड फेवर का टाइम है जिसकी वजह से उनकी ऑनर, रिस्पेक्ट और माली मुआवरत पूरे तरीके से हो सके और आपको ये लगे कि जो घर में स्ट्रेसेस थे वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गए, और आपको ये ना लगे कि मैं इस खास महीने में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली फंसी हुई हूँ, फंसा हुआ हूँ। तब नहीं फंसेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही कमाल कॉम्बिनेशन है कि आपके 10th हाउस में मर्करी इन जेमिनाई, वीनस इन जेमिनाई, सन इन जेमिनाई एंड जुपिटर इन जेमिनाई। इसका मतलब बहुत सारे प्लैनेट उठकर आपके 10th हाउस में चले गए जो आपकी इज्जत को बरकरार रखने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। और ये बार 10th हाउस वो इज्जत होती है जो आप अपनी खुद एफर्ट से कमाते हैं, क्लियर। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता, एक तरह से अगर 10th है तो दूसरी तरह से 4th भी है। तो इसीलिए आपको घर को लेकर, डोमेस्टिक अफेयर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, इमोशनल लाइफ को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर, पैसे को लेकर, इज्जत को लेकर किसी भी एंड पर कोई परेशानी का सीन बिल्कुल नहीं है। सो पूरे तरीके से इंजॉय करें। और मेरी नज़र में इस खास जो वीक है इसमें जो लोग सबसे ज़्यादा आला घूमेंगे वो टॉरस, जेमिनाई, लियो, वर्गो, ये वो हैं
जो आहिस्ता 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 सारे वीक में पूरे तरीके से बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, और हर बढ़ता हुआ स्टेप उनको हर एतबार से फ़ायदा देगा। मरकरी का अपने ही घर में आना कोई ऑर्डिनरी काम नहीं होता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये मरकरी हमेशा कमर्शियल एक्टिविटी को डील करता है, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में डेवलपमेंट होती रहती है। और कमर्शियल एक्टिविटीज़ का मतलब है कि वो तमाम मामला जो रुपए पैसे से डायरेक्टली कंसर्न है, बैठा है चौथे और टेंथ में, जिसकी वजह से इज्जत भी बचेगी, मौशी मामला भी तय होंगे और घर का सुकून भी आपको आएगा। सो हर एतबार से वर्गोज जो है वो पूरे तरीके से इंजॉय करें, कोई टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। जिस तरह टाइम गुजरा, जिस जिस तरह गुजरेगा, हालात बेहतर से बेहतर से बेहतर बेहतर होते चले जाएंगे। और ये बात भी याद रहे कि कहा जाता है कि जो मरकरी है, मरकरी इंसान की ज़िंदगी में मेंटल पीस के अलावा राजा जैसी इज्जत देता है। सो योर रिस्पेक्ट वुड बी रिस्टोर्ड, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। एंजॉय। लिब्रा, वो तमाम लोग जो 21 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक पैदा हुए हैं लिब्रा बाय सन साइन, और लिब्रेंस जो है उनके लिए प्लैनेटरी कंडीशन, हमने बार बार ये कहा था कि उनका आउटर सपोर्ट होगी। एक होता अपना किया हुआ काम एडवांटेज देगा, आपके असेंडेंट का लॉर्ड का नाइन्थ में चला गया कि आपको लिब्रेंस को हर हाल में अपने आप को ग्रो करने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। इमरान खान इज़ द लिब्रा। अगर आप ये देखें तो पहले भी उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, सारे लोग मुझसे आकर कलेबोरेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने जाकर फिर सपोर्ट लेने का फ़ैसला किया है उन लोगों से जो डायरेक्टली पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स से डायरेक्टली कंसर्न है। वीनस इज़ पॉलिटिक्स, तो लिब्रा का लॉर्ड बाय वीनस है पॉलिटिक्स। जब नाइन्थ में जाएगा तो आप इस हफ्ते में, और ऑर्डिनरी लोग भी तमाम लोग इस वक्त दूसरों की तरफ झुकेंगे और उनसे फ़ायदा लेने की उम्मीद होगी। सेटन की स्क्वायर है सन को, तो गवर्नमेंट से एडवांटेज नहीं होगा, पॉलिटिशियंस आपके साथ आकर जुड़ेंगे, जुड़ेंगे रुकेंगे, जुड़ेंगे रुकेंगे। ये महीना जो है, ये वीक इसी तरह ही आपका गुजरेगा। सन आज जो है वो लिब्रा में है, तो आपके क्योंकि नाइन्थ एंड फिफ्थ में है, तो कहीं आउटर से कोई टेम्परेरी रिलीफ आपको, आपके बेगम को मिलने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। दो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा, आज का दिन और कल का दिन। सो लिब्रेंस जो हैं वो कोशिश ये करें कि इस पूरे वीक में, जब तक 15, 16, 17, 18, 19, ये चार दिन उनके लिए, चार पांच दिन जो हैं जहाँ पर ईद होगी, ये बहुत ही अच्छे हैं। इनमें वो पूरे तरीके से अपने आप को इन्जॉय कर सकते हैं। नाइन्थ और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन कमाली कॉम्बिनेशन होता है हमेशा के लिए, और इसीलिए ये कहा जाता है कि राज भाग्य योग का घर है नवा, यानी कि एक आदमी की ज़िंदगी में ऐसा दौर चल पड़ता है फॉर द टेम्परेरी बेसिस, जिसमें अपने आप को वो एक स्ट्रेंथ्स देकर, एक मेंटल कंटेंटमेंट की वजह से अपने आप को राजा फील करना शुरू करता है। राजा से मुराद राजे का स्टेटस नहीं है, राजा से मुराद ये कि मेंटली यू स्टार्ट कि मैं बहुत शदीद हैप्पी हूँ और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो मेरी नज़र में जो लिब्रेंस हैं उनके लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। कलेबोरेशन करें, दोस्तियाँ करें, प्यार करें, चाहत करें, लोगों से फेवर करें, फॉरन ट्रैवलिंग की प्लानिंग करें। जो आदमी अपने बच्चों की वजह से डायरेक्टली कंसर्न है या उन्हें कहीं परेशानी है, वो इस वीक में ख़त्म हो जाएंगी। कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बिल्कुल नहीं हैं, हर तरफ से आप पर दूसरों की सपोर्ट की वजह से निछावर, और जो है और क्या हम कहते हैं कि सपोर्ट निछावर होगी, इज्जत बढ़ेगी। इसको पूरी तरीके से इंजॉय करें। ये टाइम आपके लिए कमिंग जो डेज है मैंने आपको बताया, ये आपके लिए इज्जत बढ़ाने, इज्जत कायम करने, स्ट्रेंथ बढ़ाने और स्ट्रेंथ को अपने आप से इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही कमाल टाइम है। और इस स्टारी टाइम को आप पूरे तरीके से इंजॉय कर सकेंगे, इसमें कतई तौर पर कोई परेशानी की बात नहीं। सो लिब्रेंस के लिए मजबूरी तौर पर अच्छी खबरें। स्कॉर्पियो, वो तमाम लोग जो 21 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक पैदा हुए हैं स्कॉर्पियो बाय सन साइन, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स, मार्स इन टॉरस, टॉरस का लॉर्ड वीनस इन जेमिनी विद मर्करी विद वीनस विद सन, कॉम्बिनेशन है छठे का। एक तरफ से आपका जो है वो छठा फंसा हुआ है और दूसरी तरफ से आपका आठवां अच्छा है। तो कोशिश ये करेंगे आप कि जहाँ तक आपकी अपनी सर्विसेज हैं उनमें, जहाँ तक आपकी हेल्थ है उसमें आपको बहुत शदीद एहतियात करनी होगी। दूसरी तरफ
वो तमाम मामला जो आपको कानूनी तौर पर उलझाए हुए हैं वहाँ पर फेवर मिल जाएगी। वो तमाम मामला जिनका डायरेक्टली कंसर्न इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से है वहाँ पर आपको एडवांटेज मिल जाएगी। कुछ खुफिया अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल जाएंगे, लाइफ इम्प्रूव करनी शुरू होगी, मगर ये सारी सारी गैबी मदद से होगी। एक टाइम होता है कि जब आप बहुत सारी कोशिशें करते हैं, तो इस वक्त क्योंकि आपका छठे में राहु है, तो जब भी छठे में राहु होगा तो आपकी अपनी पर्सनल एफर्ट्स ठीक नहीं होंगी। अब जो भी करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर आप फंसेंगे, आपको एडवांटेज नहीं होगा। लेकिन आपका एट्थ स्ट्रांग है तो इसका वजह से अनएक्सपेक्टेड हिडन चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते, मतवक्को ही नहीं है आपको, ये तवक्को नहीं है अगर ये चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, वो सारी होने की तरफ बढ़ेंगी। और आपके लिए जो बेस्ट डेज हैं वो ये हैं कि 15, 16 फिर 19, 20, ये चार दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनमें आप अपनी कोशिशों को हटाकर दूसरों को जुड़कर वहाँ से फ़ायदा लेने की कोशिश करें तो आपको फ़ायदा हो सकेगा, जिसका आपको एडवांटेज रहेगा। तो इसीलिए मैं ये बार बार ये कहता हूँ, जो स्कॉर्पियो हैं इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम इस वजह से है कि इनके छठे में राहु बैठा हुआ है, जो मार्स को अगले भी थोड़े टाइम पे टफ टाइम देगा, 2-3-4 और महीने। तो इनके लिए थोड़ा टाइम ग्रेजुअली बेहतर होगा, लेकिन एकदम से बेहतर नहीं होगा। तो सो जुड़े रहें अपने एक्टिविटीज़ के साथ, लीगल मामलों को ठीक करने की कोशिश करें। वो तमाम मामला जो किसी भी तरीके से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के मामला में कहीं फंसते हैं उनसे बचें, अपने आप को एक्टिव करें, दूसरों को यूज़ करके बेनिफिट ले लें। इससे मुराद ये नहीं है कि आप दूसरों को अपनी मतलब परस्ती के लिए इस्तेमाल करें, इससे मुराद ये कि चूँकि आपकी किस्मत आपका फेवर नहीं दे रही है, साथ नहीं दे रही है, तो आपको अपनी मुश्किल को हासिल करने के लिए अगर दूसरों से इस ख़ास टाइम पर कोई सपोर्ट मदद मिल जाए तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सेहत का आपको ख्याल रखना है, वो मैंने पहले कहा, मगर कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि खुदा न खास्ता कोई सेहत बहुत शदीद बुरी होने जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो रिलैक्स करें थोड़ा सा, अल्लाह खैर कर देगा। खुदा हाफिज़।